हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो अभी आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परसेंटाइल रेंज के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैट्स का, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, उसमें हमने रेंज पढ़ा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा है, ठीक है। हम रेंज पढ़ चुके हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ चुके हैं। पहले हमने स्टार्ट किया है मेथड्स ऑफ लिमिट, ठीक है। मेथड्स ऑफ लिमिट हमने स्टार्ट किया, जिसमें से रेंज पढ़ के हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा था। इंटर क्वार्टाइल रेंज प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। फिर इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला, उसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्यूशन देना है इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ठीक है। ये हमने देखिए सब कुछ देखा था। इसके बाद में हमने पूरा सॉल्यूशन लिया था। आज हम देखते हैं परसेंटाइल रेंज, जिसे हम कहते हैं शतमक विस्तार। परसेंटाइल तो आपको पता है, जो हमने कैलकुलेट करने सीखे थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जिनको लिखते हैं P9, ठीक है, हम लिखते हैं जिन्हें P10, जिन्हें हम लिखते हैं P99, ठीक है। और ये कहाँ तक होते हैं, 100 तक होते हैं, P100, ठीक है। ये क्या है, परसेंटाइल्स हैं सारे। तो इनका जो रेंज है उसको हम क्या कहेंगे, परसेंटाइल रेंज कहेंगे। जो हमारे शतमक है, जो हमने शतमक निकालने सीखे थे, उन शतमकों के बीच का जो विस्तार होता है उन्हें क्या कहते हैं, शतमक विस्तार कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या होती है, एक तरीके से पार्शियल रेंज होती है। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, पार्शियल रेंज कह सकते हैं। जिसे हम कहते हैं आंशिक विस्तार, ये भी एक तरीके से आंशिक विस्तार ही है, ठीक है। अब देखिए इसका एक, इसको एक मेजरमेंट भी कहते हैं, इसको मिडल के 80% का क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ मिडल 80% वैल्यूज या आइटम्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ मिडल 80% वैल्यूज और आइटम्स। तो ये बीच के 80% जो मूल्य होते हैं उस पर आधारित माप होता है। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मध्य के 80% मान का माप, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि मिडल के 80% वैल्यू का मेजरमेंट कैलकुलेट करो, मिडल के 80% वैल्यूज का मेजरमेंट निकालिए। तो मिडल के 80% वैल्यूज का मेजरमेंट क्या है, परसेंटाइल रेंज है, ठीक है। शतमक विस्तार को मध्य के 80% मान का माप कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे सेपरेट भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसकी रेंज के, इसका जो फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला देखिए इसका क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PR लिखते हैं, परसेंटेज रेंज। और इसका जो फॉर्मूला है P90 माइनस P10, क्या फॉर्मूला हो गया, P90 माइनस P10, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और करके, और हम लिख सकते हैं डिसाइल रेंज इज इक्वल टू D9 माइनस D1, ठीक है, D9 माइनस D1। ये सेम वैल्यूज आएंगे, ये क्या आएंगे, दोनों सेम वैल्यूज आएंगे। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इनका जो आएगा वैल्यू सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो परसेंटाइल रेंज को P90 माइनस P10 लिख सकते हैं, या फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, D90 माइनस D10।
अब जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं या प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, उन्हें पता नहीं होगा कि ये P9 और P99 और क्या होता है, D9 भी क्या होता है। तो अगर आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक बार मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के वीडियोस देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा ये क्या होते हैं, मीडियन पर बेस्ड। इन्हें हम क्या कहते हैं, मीडियन पर बेस्ड, जो हमारी मीडियन होती है मध्य का, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं मध्य का, मीडियन पर, मीडियन बेस्ड मेजर्स है ये, ठीक है, मध्य का पर आधारित माप, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो पढ़ सकते हैं, ये मध्य का पर आधारित माप है, ठीक है, मीडियन बेस्ड मेजरमेंट है। मीडियन की तरह ही इनके फॉर्मूले होते हैं, बस इनकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले में चेंजेस होता है। तो मेन तो हमें इम्पोर्टेंटली कौन से फॉर्मूला, एक तो ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये दो फॉर्मूले आपको लिखने हैं, मेन इसके यही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर आपको करने हो तो देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, उसी में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको कहूँ कि परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफिकेशन कर दूँ और मैं कहूँ कि क्या कहूँ, कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटाइल रेंज, अगर आपसे परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट करने के लिए पूछ दिया जाए, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में परसेंटाइल रेंज, जो ऊपर मैंने कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन लिखा है उसमें, अगर आपको वो वाला सीरीज में ही करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने IQR लिखा है ना उसकी जगह लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस में करते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं परसेंटाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे परसेंटाइल रेंज पूछ ली तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सीरीज तो हमने बना रखी थी, देखिए ये थी सीरीज, ठीक है, ऐसी ही सीरीज आपको वापस बनानी है, लेकिन इस बार आपको कैलकुलेट क्या करने हैं, इस बार आपको P9 और P90 और P10 कैलकुलेट करने हैं, या D9 या D90 कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो अभी करते हैं हम। चलिए, इसी यही टेबल बनेगी, सेम ये जो टेबल आपको दिख रही है ना, यही टेबल आपको उसमें भी बनानी है, बस आपको कैलकुलेट करने हैं P90 और P10। तो वो कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन वही ले लेते हैं। अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है P90, तो आप लिखोगे स्मॉल लेटर का P90, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे 90 N/100, ये आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपका ये तो 90 रहेगा, n कितना था, 40, n था 40/100, तो देखिए कितना हो जाता है। फिर पहले हम P10 निकाल देते ना, P90 क्यों निकाले, चलिए P10 निकालते हैं, P10 पहले निकालते हैं, P10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर वाला निकलेगा, तो पहले P10 निकाल देते हैं। तो देखिए P10 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके 400 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना नंबर वाला आइटम आ जाएगा, फोर्थ आइटम, ठीक है, फोर्थ आइटम आपको टेबल में देखना है कि कहाँ स्टैंड कर सकता है इस फाइव के अंदर। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा P1 ग्रुप, P10 ग्रुप, ठीक है, ये P10 ग्रुप हो जाएगा 0.5 to 10.5 वाला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P10 ग्रुप, जीरो पॉइंट फाइव टू टेन पॉइंट फाइव। फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला तो लगाना है आपको P10 L1 प्लस I/F और M
C10 माइनस सी, ठीक है। अब इसके सारे एलिमेंट्स लिखते हैं हम। L1 क्या हो जाएगी 0.5, I हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, F क्या हो जाएगा, F देख के आना पड़ेगा, F देख के टेबल में 5 है, ठीक है, ये 5, और C क्या हो जाएगा, C तो कुछ है ही नहीं, इसमें 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 से पहले तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, कम्युलेटिव क्या ले, ठीक है। और P10 आपने अभी कैलकुलेट किया कितना, 4। बस अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करनी है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। P10 कैलकुलेट करना है, P10 इज इक्वल टू L1 कितनी है 0.5 प्लस I था आपके 10, F था आपके 5, यहाँ पे था 4 माइनस 0। अब देखिए 0.5 प्लस 4 माइनस 0, 4 ही रहेगा, 40/5। अब देखिए आगे करते हैं इसको, 0.5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो ये आपके कितना आ जाएगा P10 आ जाएगा 8.5, ठीक है, 8.5 आपके क्या आ जाएगा 8.5 मार्क्स हो जाएंगे आपके P10। इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है P90, तो यहाँ पे लिखेंगे P90, फॉर्मूला दोगे 90 N/100, ठीक है। अब देखिए 90 तो है ही है, 40/100, ये कितना हो जाएगा जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके 3600/100, तो आपके कितना आ जाएगा 36th आइटम, ठीक है। 36th आइटम कहाँ स्टैंड करेगा टेबल में, 36th आइटम जो है ये आपके आ जाएगा इधर, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप आपके क्या हो जाएगा P90 ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा P90 ग्रुप, ये उसकी फ्रीक्वेंसी और ये उसकी जस्ट बिफोर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लेते हैं अभी यहाँ पे लिखेंगे P90 ग्रुप P90 ग्रुप कौन सा है आपके, ये आ गया 40.5 to 50.5, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला आपको लगाना है P90 L1 प्लस I/F P90 माइनस C, ये लगाना है, ठीक है। तो L1 हो जाती है आपकी 40.5, F क्या हो जाएगी, F हो जाएगी 6, C क्या हो जाएगी 34, और I बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस दोनों का 10, और P90 आप कैलकुलेट कर ही चुके हो कितना है 36, ठीक है। अब हम इसे आगे करते हैं, तो P90 इज इक्वल टू L1 है 40.5 प्लस यह आ जाएगा 10/ यह आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके 36 माइनस 30, ठीक है। यहाँ तक किया, फिर आगे सॉल्व लेते हैं इसको। यहाँ पे तो था 40.5 प्लस 10 था ना, तो जब हमने 36 माइनस 34 किया तो पीछे कितना बचा 2 into 10 20, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 20/6, ठीक है, ये प्लस है 20/6, तो कितना आएगा जब 20 से 6 को डिवाइड करोगे तो 40.5 प्लस ये आ जाएगा आपके 3.33, तो ये कितना आ जाएगा आपके P90 आ जाएगा आपके 43.83 मार्क्स, 43.83 मार्क्स आपके P3 है। अब परसेंटाइल रेंज निकालते हैं,
परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला पी आर इज इक्वल टू पी 90 माइनस पी 10। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करते पी 90 आपका कितना है 43.83 और पी 10 कितना था, पी 10 था 8.5। देख लेते हैं, ये रहा 8.5 और ये रहा आपके 43.83। तो ये कितना आ जाएगा आपके परसेंटाइल रेंज, ये आ जाएगी 35.33 मार्क्स। ठीक है, ये आपके परसेंटाइल रेंज है, इस तरीके से आपके परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, पूरा परसेंटाइल रेंज के बारे में। तो देखिए, आज हमने देखा पूरा परसेंटाइल रेंज, ये क्या होता है, ये मिडल के 80% वैल्यूज का क्या होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, ये हमने देखा पार्शियल रेंज इसको कहते हैं, और इसके फॉर्मूले के बारे में, इसका फॉर्मूला दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, अगर आप इसको दशमक से डिसाइल से करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर हमने इसका एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, कॉन्टिन्यू सीरीज क्वेश्चन अप्लाई किया हमने। ठीक है, कॉन्टिन्यू सीरीज में क्वेश्चन किया हमने। देखिए, ये जो सीरीज़ है ना, ये इफेक्ट किसको करेगी, ये जो टर्म्स है इनके, इनको, बाकी तो क्या है, बाकी परसेंटाइल रेंज का तो फॉर्मूला इजी है, जिसका सीरीज से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये जो टर्म्स है इनको कैलकुलेट करने में, फॉर्मूले अप्लाई करने में ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया, फिर इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो देखिए, अब हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम कहते हैं चतुर्थक विचलन। ठीक है, ये जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है ना, वो किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन ट्रिपल और ट्रिपल एंड लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, जो ट्रिपल और लोअर क्वार्टाइल है आपका, उस पर जो बेस्ड वैल्यू है, उसका जो डेविएशन है, वो ट्रिपल का मतलब Q3 और लोअर का मतलब Q1, इन दोनों के बीच का जो डेविएशन है, वो डेविएशन ही क्या कहलाता है, क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सेमी, इसे हम कह सकते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ये भी है। ठीक है, और बाकी इसका नाम क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन। ठीक है, अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, तो इसका फॉर्मूला देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे QD। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, QD, और इसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है QD का। ठीक है, अब इसका एक कोफिशियंट भी होता है, इसका गुणक भी होता है, तो इसके कोफिशियंट का फॉर्मूला देखते हैं। कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ QD, इसके कोफिशियंट का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है इसके कोफिशियंट का। तो ये दोनों ही फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं क्वार्टाइल डेविएशन के। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का एक तो इसका खुद का फॉर्मूला और एक इसके कोफिशियंट का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।